हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी जो एंटी स्कैन है और डवा मार्कर टेस्ट वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसको कब कब किया जाता है। और मैं आपके साथ अपनी एंटी स्कैन और डबल मार्कर की रिपोर्ट भी शेयर करूंगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सबसे पहले जो एंटी स्कैन है और जो डबल मार्कर टेस्ट है वो हम जो है अपने फर्स्ट ट्रेमेस्टर में बिटवीन 11th वीक टू 13th वीक हमें कराना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये स्कैन जो है वो फर्स्ट स्कैन है जो आफ्टर हर्ट बीट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, इस स्कैन के बाद हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, एड्रॉड सिंड्रोम हो गया, कोई और जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है। इसीलिए ये स्कैन बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इस स्कैन को कभी भी मिस ना कीजिए। ओके, सो सबसे पहले एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट जो है उनकी रिपोर्ट्स को कंबाइन करके कंक्लूजन निकाला जाता है। और ये दोनों टेस्ट जो है वो 11 टू 13 वीक्स में किया जाता है। डबल मार्कर टेस्ट एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें जो है दो चीज़ें देखी जाती है, दो हार्मोन टेस्ट होते हैं। और एंटी स्कैन जो है वो एक सोनोग्राफी होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें जो है एक तो बच्चे के नेक के पीछे की पानी की मोटाई देखी जाती है, उसकी नोज़ देखी जाती है, उसकी स्पाइन देखी जाती है कि स्पाइन कॉर्ड जो है वो अच्छे से बनी है या नहीं बनी है, और नेजल बोन जो होती है नाक की हड्डी वो चेक की जाती है। ओके, और डबल मार्कर ब्लड टेस्ट में देखा जाता है कि कोई बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम या कोई और डिफेक्ट तो नहीं है। तो अब मैं आपके साथ अपनी रिपोर्ट शेयर करती हूँ, आपके साथ अपनी रिपोर्ट दिखाती हूँ, मैं जो मेरी एंटी स्कैन और डबल मार्कर की रिपोर्ट है। ये मेरी डबल मार्कर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है लो रिस्क। ये देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है कि लो रिस्क। इसका मतलब क्या है कि कोई भी डिफेक्ट होने के जो रिस्क हैं वो बहुत मिनिमम है। और ये मेरी एंटी स्कैन की रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड है। ओके, इसमें जो है यहाँ पर आपके पास NT MM लिखा होता है, ये 1.1, ये 3 mm से छोटा होना चाहिए, मतलब जो नेक के पीछे का पानी है वो 3 cm 3 mm से कम होना चाहिए। अगर वो 3 mm से कम है और आपकी डबल मार्कर की रिपोर्ट जो है वो लो रिस्क है तो आपको फर्दर कोई भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है और आप डायरेक्टली नेक्स्ट स्कैन जो होता है आपका इंपॉर्टेंट वो एनोमली स्कैन उसको करा सकते हैं। और अगर हाई रिस्क है या इंटरमीडिएट रिस्क है तो आपको और भी कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कराने पड़ते हैं। ये तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी कि एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ गाइस, आप प्लीज़ डबल मार्कर और एंटी स्कैन ज़रूर कराएं। इससे पता चलेगा कि आपके बच्चे में कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है और ये अर्ली डिटेक्शन जो है वो आपको हेल्प करेगा और बच्चे की फ्यूचर के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मैं वीडियो लाती रहूँगी, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।